हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वॉचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल बडीज। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हमने एक हमारी वीडियो आई हुई थी जिसपे आज रिएक्ट करने वाले हैं, और उसका टाइटल है BTS साइफर पार्ट 3 किलर। तो हमने सर्च किया और जो पहले हमें वीडियो मिली थी वो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हो चुका है। तो हमने एक फिर कह लें कि फैन कैम के थ्रू किसी ने वीडियो बनाई हुई है और पूरा कॉन्सर्ट ही है, तो हमने सोचा कि रिएक्ट कर देते हैं। अब आपकी किस्मत, आपको ये मिल जाए तो शुरू करते हैं बुसान येट टू कम 2022 से कॉन्सर्ट में से 3-2-1 एन। ये एक्चुअली ऑडियंस में से कोई बैठ के बना रहा है। बहुत तेज रैप है भाई, मैं लिरिक्स फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रांसलेशन में बैठ। जो लिरिक्स मैं देख रहा हूँ ना, उसके हिसाब से जो इनसे जेलस हैं, क्रिटिक्स हैं, उनकी भयंकर बेइज्जती हो रही है। म्यूजिक जो बीच में है ना, एक इंटेंस इंटेंसिटी शो कर रहे हैं और लिरिक्स भी इंटेंस ही हैं। वेल, इनके जिस हिसाब से फ्लो जा रहे हैं, मैं सारी बातें तो विद लिरिक्स नहीं कर सका क्योंकि आधा ध्यान लिरिक्स पे, आधा ध्यान मेरा वीडियो पे है, इसलिए मैं नज़रें हटाना चाह नहीं रहा। लेकिन नमस्ते BTS हेटर्स को आग लगाई है इसमें इन्होंने। Yo!
ओके, तो हम इस पूरे 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 सॉन्ग को सिर्फ दो लाइनों में ही समराइज करते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि फाड़ में जाओ क्रिटिक्स, फाड़ में जाओ हेटर्स, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों के पास ना कोई स्किल है ना करने को कुछ है। और बिल्कुल ठीक है, अभी चंद दिन पहले ना हमें एक कमेंट आया, मैं आपको कमेंट ही पढ़ के सुनाता हूँ। हम ऐसे क्यों जाने दें उनको, इतनी मेहनत करके वो हमारे चैनल तक आई थी या आए थे, लेकिन आई नो कि जो है ना आया ज़रूर था। तो वो कुछ ऐसा सही था, हमने कोई फीफा जो सॉन्ग था ड्रीमर्स, जो कि हमारा ब्लॉक हो गया अनफॉर्चुनेटली, हमें सिर्फ रिएक्शन पार्ट अपलोड करना पड़ा, लेकिन उस पर एक कमेंट आया था। एंड कमेंट देख के मैंने पहली चीज़ तो ये सोची कि बहन मेरी, अगर तुझे BTS पसंद नहीं है तू आई क्या करनी थी यहाँ। हाँ जी, कमेंट मुझे मिल गया है, कमेंट है जनाब रोमैसा, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि ये एक फीमेल है, रोमैसा, आर रोमैसा। तो कमेंट चेक करें जी, आप मुस्लिम हो के BTS के प्रमोशन कर रही हो, मैं रहा हूँ रही नहीं हूँ, और वो भी बियर्ड रख के, अभी बियर्ड नहीं है उस दिन थी। एंड आई डोंट नो ये पाकिस्तानी मुस्लिम भी है कि नहीं। ओके, मुझे अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं, क्योंकि भाई हमें तो ईद का भी पता है, हमें रिसालत का भी पता है, हम नमाज भी पढ़ते हैं, रमज़ान आ जाए तो रोज़े भी रख लेते हैं, हज अभी हम करके आए नहीं हैं, ज़कात अभी हम पे फ़र्ज़ हुई नहीं है। तो मुझे तो मुसलमान के होने का पार्ट आप पढ़ाओ ना, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपसे तो अच्छा मुसलमान हूँगा, क्योंकि मैं बिला वजह किसी की उसमें टांग नहीं अड़ाता जाके, और बिला वजह बगैर कुछ जाने बगैर कुछ समझे किसी को ना फिंगर पॉइंट करता हूँ, ना उंगली करता हूँ, ना गालियाँ देता हूँ, ठीक है, और ना तोहमत लगाता हूँ। आपको क्या पता मैं मुसलमान हूँ या नहीं, आपसे बेहतर मुसलमान हूँ, और अगर आपका और मेरा मुनाजरा हो गया ना मुसलमान होने पर, तो मैं सीरियसली मैं आपकी धजियाँ बिखेर सकता हूँ, बट स्टिल हम आपको स्टिल वही जवाब देंगे जो हमने वहाँ कमेंट में भी दिया था कि फतवा ब्रिगेड आ गई है और कर लें आपसे जो हो सकता है। आप वो मैंने लिखा था ना, उठा ले रे देवा उठा ले मेरे को, नहीं फतवा ब्रिगेड को मैंने ये चैनल बनाया कि इसलिए मैंने इसीलिए बनाया कि ये जो पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं पता आप पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं, लेकिन आपकी ये सोच देख के मुझे पक्का यकीन है कि आप पाकिस्तान से ही होंगी। तो ये जो पाकिस्तान में कट्टर ज़हनियत के लोग हैं, ये चैनल बनाया ही उनके लिए, जिनको जिनको पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे आके ना हेट ही स्प्रेड करती हैं। और जैसे BTS ने अपने हेटर्स को इस गाने में धोया है, वैसे मैं आपको इजीली धो सकता हूँ, बट क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। हम ये कह के छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार बच्ची है, ठीक है, अभी शऊर लाजमी नहीं, आप एज से बड़े हो, आप शऊर की भी कोई चीज़ होती है, तो हम भी यही कहेंगे आई डोंट केयर, जैसे BTS ने अपने लास्ट, इस पूरे लास्ट वर्स में जिस पे इन्होंने एंडिंग की है, कि उन्होंने तो जो वर्ड लिखा हुआ है वो मैं नहीं बोलूँगा, बट बी स्पेस आई डोंट केयर यू कैन कंट्रोल माई शिट, ठीक है। तो हमने सबने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ देखा होता है, और ये जो BTS ने ये किलर सॉन्ग दिया है ना, इसमें उन्होंने वो सब लोग जो उन पे उनके म्यूज़िक को हेट करते हैं, उनके स्टाइलिंग को हेट करते हैं, उनके बालों के कलर से लेके ड्रेसिंग सेंस, बात करने के अंदाज़, उनकी दोस्ती, उनकी सिंपल कहूँ तो बकचोदी, उससे भी उन्हें प्रॉब्लम होता है ना, तो भाई गेट अ लाइफ, जाओ कुछ करो लाइफ में, कुछ बनो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, जॉब करते हो तो अच्छी जॉब करो, कुछ करो अपनी लाइफ में जाके। ये चीज़ अगर आपके पास किसी को क्रिटिसाइज़ करने का टाइम है, तो ये आपको बताता है कि आप या तो मेरे जैसे बंदे हैं जो कि मल्टी टास्किंग काम करता है और अपनी जॉब के साथ साथ यहाँ पे आके कुछ कंटेंट भी देखता है और उस पर डिस्कशन करते हैं, या फिर आप वेले हैं। और वेला मैं यूं कहूँगा कि अगर सिर्फ आप हेट स्प्रेड करते हैं ना सोशल मीडिया पे बैठ के, तो फिर आप वाकई वेले हैं, लेकिन अगर आप कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो ओके, हम आपकी बात सुनेंगे अभी और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे।
लेकिन अगर आप बिला वजह हेट स्प्रेड करते हैं तो भाई अपना इलाज करवाएं। तो इसी चीज़ के साथ एंड करता हूँ मैंने। सॉरी यार रोमेसा व्हाट्स एवर योर, जो भी हैं आप, मर्द हैं या औरत हैं, नाम से तो औरत लग रही हैं, औरत भी नहीं कहते, माइंड कर जाएगी, फीमेल हैं। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको बीटीएस नहीं पसंद, ओके? तो आप बीटीएस के सॉन्ग पे रिएक्शन चैनल पे करने क्या आई हैं, वो भी उस वीडियो पे? तो आई डोंट नो आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती थी जब आप उस रिएक्शन चैनल पे आई थी। देखिए मैं तो लिरिक्स को देख के और फिर अप्रिशिएट करता हूँ। किसी ने अच्छा काम किया होगा मैं उसको अच्छा बोलूँगा, किसी ने अच्छा काम नहीं किया होगा तो मैं शुगर कोट नहीं करूँगा, मैं सीधा बता दूंगा भाई मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है? और ये म्यूज़िक वो है जो मैं समझता हूँ आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप इनकी लिरिक्स को समझेंगी तो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ ये कहूँगा कि बीटीएस के सॉन्ग्स जो है ना उनकी लिरिक्स को पढ़ें, ठीक है? आपको कोरियन समझ नहीं आती, ओके, मुझे भी नहीं आती, लेकिन आप लिरिक्स तो देख सकते हो ना। और जब आप एक दफ़ा लिरिक्स पढ़ लोगे ना, फिर आपको वर्स बाय वर्स वो समझ में आएंगे, वो इमोशंस भी आपको दिखेंगे और उनकी स्ट्रगल भी आपको फिर नज़र आएगी। टैलेंट तो उनमें कूट कूट के भरे है। तो इसी चीज़ के साथ एंडिंग करते हैं, हमने बड़ी बातें कर ली। कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप जो कहें बोलें, ठीक है? अच्छी अच्छी बात कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, बुरी बात कहेंगे तो आई डोंट केयर। तो नहीं, हम केयर तो करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, पता लगता है कि यार वो लाइफ में बड़े अकेले हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।